नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देश त्रिपाठी। द कर्मा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द कर्मा स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रहस्यमय विषय को लेकर के आया हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। अधिकतर लोगों को यही पता है ना कि भगवान राम ने रावण का वध इसलिए किया क्योंकि उसने माता जानकी का हरण कर लिया था। अधिकतर क्या हम सभी को यही पता है कि यदि रावण माता जानकी का हरण नहीं करता, साधु का वेश धारण करके उनको उठाकर नहीं लेके आता, तो क्या उसका वध नहीं होता? लेकिन जब भगवान राम खुद सीता से कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में ही भगवान राम जब रावण पर विजय पा लेते हैं, रावण का वध कर देते हैं और माता सीता से उनका जब मिलन होता है, तो अग्नि परीक्षा के कुछ क्षण पहले ही जब उनका थोड़ा सा वार्तालाप होता है, उनके दोनों के बीच में जब बातें होती हैं, तो वो माता सीता से कहते हैं, जानकी मैंने जो युद्ध किया है, रावण का वध किया, इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि अपने वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए और इस सृष्टि में सदाचार एवं धर्म की स्थापना के लिए किया। अब उन्होंने वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए कहा, इसका मतलब यही है कि एक तो वो रघुकुल के थे और रघुकुल बड़ा ही कीर्तिवान कुल था, और रघुकुल की जो कीर्ति थी उस पर दाग ये था कि रघुकुल कि श्री राम के रहते हुए उनकी पत्नी का कोई हरण कर ले तो उनके पुरुषत्व की क्या मर्यादा रहे। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान राम के ही कुल में महाराज अनरण्य हुए हैं, जिनको रावण ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था, और फिर उन्होंने रावण को ये श्राप दिया था कि मेरे ही कुल में कोई ऐसा पराक्रमी भी आएगा जो कि तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हारा वध करेगा और मेरी इस पराजय का तुमसे बदला लेगा। तो भगवान राम को जरूर ये बात किसी ने बताई होगी, तभी उनको पता थी, तो उन्हें भी इस चीज़ का बदला लेना था। अब रही बात धर्म की स्थापना के लिए, तो अगर धर्म की स्थापना की बात करें तो हमें एक बात याद आती है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब भी संसार में कभी भी धर्म कम होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कभी अकेले नहीं आते हैं, बल्कि अपनी पूरी टीम लेकर के आते हैं। धर्म की स्थापना के लिए और रावण का वध करने के लिए एक योजना बनाई गई कि टीम में किसको किसको सेलेक्ट किया जाए और किस प्लानिंग के तहत हमें यह गेम खेलना है। अब सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? ब्रह्मा जी। ये तो हम सभी को पता है कि रावण कितना बड़ा दुराचारी था, कितना बड़ा अत्याचारी था। उसने किस पर जुल्म नहीं किया, उसकी अत्याचार से कौन परेशान नहीं था, अप्सराओं के, महिलाओं के बलात्कार करता रहता था, ऋषियों को मारता रहता था, तपस्या यज्ञ करने नहीं देता था, कभी भी देवलोकों पर आक्रमण कर देता था, देवताओं को बंदी बनाने का प्रयास करता था, और यही परेशानी को इकट्ठा करके देवता लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो वरदान दिया है, आपके वरदान से रावण इतना अत्याचारी हो गया, इतना आतताई हो गया है कि उसको मारना असंभव सा लगता है। देवताओं के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी को एक युक्ति समझ में आई, उन्होंने एक तरकीब निकाली कि जब रावण ने वरदान लिया कि मुझे कोई देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व नहीं मार सकता, तब उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया, नर का नाम नहीं लिया। और जब ऐसे ही युक्ति संगत बातें कर रहे थे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी, तब उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु उनके पास जाते हैं, देवताओं और ब्रह्मा जी के संवाद को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया मेरे से, किसी नर के बारे में उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई नर भी ना मार सके, और ये उसी समय की बात है जब पृथ्वी पर महाराजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब देवता लोग भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं
कि प्रभु पृथ्वी पर दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और बड़े ही वो धर्मात्मा हैं, तो आप पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्म लीजिए और रावण के इस अत्याचार से हमें मुक्त कीजिए। जब देवता लोग भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेते हैं। ये हो गई बनाई हुई योजना का पहला चरण कि भगवान ने राजा दशरथ के यहाँ अवतार टीम। अब कैप्टन तो पहुंच गया लेकिन टीम का मैनेजमेंट कैसे हो? तो उनका उनकी टीम को सेलेक्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अप्सराओं से कहा। उन्होंने खासकर अप्सराओं से ये कहा कि आप पृथ्वी पर वानरियों के, मादा भालुओं के, मादा रीछों के रूप में जन्म लीजिए। और देवताओं से ये कहा कि इन्हीं वानरियों से या फिर मादा भालुओं, मादा रीछों से आप लोग संतान उत्पन्न कीजिए। हालांकि वो तो वानर होंगे लेकिन आपके अंश से उत्पन्न होंगे तो उनमें पूरी आपकी शक्ति होगी, आपके अंशों से परिपूर्ण होंगे तो वो भगवान राम की सहायता करेंगे। आपने कथा सुनी होगी कि जब नारद जी विवाह की इच्छा से बहुत तैयार होकर जाते हैं तो भगवान विष्णु उनके चेहरे को वानर की तरह बना देते हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती। तभी नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि जिस तरह से मेरी शादी नहीं हुई और मैं इतने वियोग में हूँ, उसी तरह से एक दिन आप भी अपनी पत्नी के वियोग में होंगे और बिना वानर की सहायता से आपको आपकी पत्नी के वियोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान विष्णु तो कैप्टन बन के पहुंच गए, अवतार ले लिया और ब्रह्मलोक की सिलेक्शन कमेटी ने उनकी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया कि वानर, भालू और रीच उनकी टीम में रहेंगे और उनको रावण के साथ युद्ध में सहायता प्रदान करेंगे। ये हो गया भगवान के अवतार का या फिर रावण के द्वारा अत्याचारों से मुक्त करने का पहला चरण। ये पहली योजना हो गई कि कैसे भगवान का अवतार हो, किस तरह से रावण के अत्याचारों से सृष्टि को मुक्त करवाया जाए। अब हम चलते हैं रावण के वध की दूसरी योजना पर, योजना के चरण नंबर दूसरे पर कि आखिर योजना का सेकेंड स्टेप क्या था, प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या था। क्योंकि भगवान ने अवतार ले लिया और उधर देवताओं के अंश भी अवतरित हो गए, देवताओं के अंश ने भी जन्म ले लिया, लेकिन अब जब भगवान ने अवतार लिया तो उनकी शिक्षा दीक्षा उनको, क्योंकि रावण तो इतना सामान्य राक्षस था नहीं, उस शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए, उससे इस सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती। तो उसके लिए क्या किया, जब श्री राम ने अवतार लिया तो वशिष्ठ जी के द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा, अनेक अस्त्र शस्त्र भी दिए गए। इतना वेपन रावण के साथ युद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं था। तो देवराज इंद्र ने या फिर सभी देवताओं ने मिलकर महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में जाते हैं और वहाँ उनसे कहते हैं कि हमें यज्ञ करने में बड़ी समस्या हो रही है, यज्ञ पूजा तब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, राक्षसों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, ताड़का, मारीच, सुबाहु, इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है कि हमारे यज्ञ में आकर के उसमें पानी डाल देते हैं तो हमारा यज्ञ पूरा हो ही नहीं पाता। तो राजन, मैं आपके पुत्र राम को ले जाना चाहता हूँ अपने साथ कि वो हमारी उन राक्षसों से रक्षा करें ताकि हम यज्ञ पूर्ण कर सकें। तो महाराज दशरथ उनको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं प्रभु, मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मैं अपने पुत्र को इतने बड़े बड़े राक्षसों के सामने कैसे खड़ा कर दूं। तब महाराज को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, विश्वामित्र तो वैसे भी ऐसे शस्त्रों को जानते हैं जो कि देवता भी नहीं जानते, उन राक्षसों को मारना इनके लिए तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन वो आपके पुत्रों को ले जा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ उन्हीं की भलाई है। ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी के महाराज दशरथ चलो मान जाते हैं, चलो ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है, भेज देते हैं। अब श्री राम जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ, अपने पराक्रम से ताड़का को मार देते हैं और जो उसके अनुयायी राक्षस थे वो भाग जाते हैं वहाँ से, कह रहे हमारी इतनी बलशाली, जब ताड़का ही मर गई तो हमारा क्या। जब ताड़का को मार देते हैं तब देवताओं को ये फिक्स हो जाता है कि हाँ यही भगवान विष्णु का अवतार है। श्री राम को देवताओं का बहुत बड़ा काम करना है तो उसके लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे वेपन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि जो, क्योंकि आप तो सभी शस्त्रों के, सभी शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र सभी के ज्ञाता हैं, तो आप श्री राम को
थोड़ा मजबूत करें, थोड़ा उनको वेपन से लैस करें। तब विश्वामित्र श्री राम को अनेकों अस्त्र शस्त्र, अनेकों दिव्यास्त्र देते हैं। और ऐसा करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया यही होती है कि वो जाते हैं, विश्वामित्र जी के साथ सीता से विवाह होता है, फिर अपने राज्य में आते हैं और उनका राज्याभिषेक होने लग जाता है। कि चलो, महाराज दशरथ सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब शादी विवाह भी हो गई, पराक्रम भी बहुत दिखा लिया, इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, तो अब ये राजा बनने के योग्य हो गया। तो महाराज दशरथ क्या करते हैं, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लग जाते हैं। तब फिर देवता सोचते हैं कि अगर भगवान कि अगर श्री राम राजा बन गए तो क्या पता ऐसा हो कि अपने राज शासन में लग जाएं और हमारे प्रयोजन की भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्लानिंग के बाहर चले जाएं, हमारी बनी हुई योजना से बाहर काम करने लग जाएं। तब देवताओं ने क्या किया कि माता सरस्वती से आग्रह किया कि आप कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी योजना काम कर सके, क्योंकि हमें अब लग रहा है कि अब हमारी जो हमारी प्लानिंग बनी थी लगता है वो डूबती हुई दिख रही है, कि अब मुझे लगता नहीं कि ऐसी हमारी हमें अब नहीं लगता कि हमारी योजना काम कर पाएगी। जब देवताओं ने ऐसा कहा तो माता सरस्वती ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने भी सोचा कि चलो इतना कह रहे हैं तो मान लेते हैं बात, और क्या। तब माता सरस्वती क्या करती हैं, मंथरा की जिह्वा में बैठ जाती हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसके कारण श्री राम का राज्याभिषेक रोक दिया जाता है और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। हालांकि ये कथा रामचरित पर आधारित कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार है कि ऐसा ऐसा होता है कि माता सरस्वती आती है मंथरा के जीवन में, ये हालांकि ये वाल्मीकि रामायण में कहीं भी चर्चित नहीं है, लेकिन हाँ राम के प्रसंग में ही इसकी चर्चा कहीं ना कहीं की गई। तो जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है तब देवताओं को लगता कि हाँ अब शायद हमारा कुछ काम आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर जाते हैं अनेक ऋषियों के आश्रम में जाते हैं श्री राम, और फिर जाते हैं अनुसूया के पास। अब यहाँ पे ये भी हमें योजना का एक हिस्सा ही लगता है कि अनुसूया माता सीता को एक ऐसे वस्त्र प्रदान करती हैं जो कि कभी मैले ही नहीं होते, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थी, वो तो बहुत ही विदुषी नारी थी। इस बात की जानकारी थी उन्हें, इस बात का आभास हुआ था कि देवताओं की योजना के अनुसार माता सीता को एक मोहरा बनाया जाएगा, एक माध्यम बनाया जाएगा कि किस तरह से ये योजना काम करे। उसके बाद रही बात, अगस्त ऋषि ने श्री राम को ऐसा धनुष दिया और ऐसा बाणों का तुल्य दिया जिसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होते। अब देखिए, अस्त्र शस्त्रों से तो विश्वामित्र जी ने उनको लैस कर दिया था, लेकिन उसके लिए अच्छे धनुष और अधिक से अधिक बाणों की आवश्यकता थी, तो वो अगस्त ऋषि ने भी कर दिया। वो भी काम पूरा योजना के अनुसार चल रहा था। अब यहाँ से देवताओं और ऋषियों की जो बनाई गई योजना थी वो काम कर रही थी। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो श्री राम सीता और लक्ष्मण वनवास जाते हैं, तो हम सभी को पता है। लेकिन जब देवराज इंद्र देखते हैं कि श्री राम ऋषि के आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि अब ऋषिवर मैं मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी श्री राम से भेंट इस समय उचित नहीं है। अभी श्री राम को देवताओं का बहुत बड़ा काम करना है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तब जा करके मैं उनके दर्शन करूँगा, ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सर्वभंग मुनि से मिलते हैं, उसके बाद और ऋषियों से मिल करके ऋषियों की पीड़ा को जानते हैं। कि ऋषि जब उनसे बताते हैं कि यहाँ पे खर दूषण और अनेक राक्षसों ने इतना भूचाल मचा रखा है कि क्या ही कहें, तभी श्री राम राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, बिल्कुल शपथ ले लेते हैं कि अब मैं राक्षसों को मार कर रहूँगा। यहाँ तक हो गया भगवान राम के अवतार लेने की और रावण के अत्याचारों को खत्म करने के दूसरे चरण की, जो योजना का जो दूसरा चरण है, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं योजना के तीसरे चरण की ओर। क्या फिर योजना के तीसरे चरण में क्या हुआ, तो ये तो हालांकि आप भी भली बात इस प्रसंग से परिचित हैं कि जब वहाँ वो कुटी बना के रह रहे होते हैं तो सूपनखा आती है और उसके साथ वाद विवाद होता है, लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं, उसके बाद खर और दूषण सहित अनेकों राक्षसों का श्रीराम वध कर देते हैं। उसके बाद रावण आता है, माता सीता का हरण कर लेता है, साधु का वेश धारण करके आता है और माता सीता का हरण कर लेता है। अब ये था कि योजना के जो पहलू थे वो पूरी तरह से काम कर रहे थे, पूरी प्लानिंग चालू थी। अब श्रीराम आगे बढ़ते हैं तो कबंध नामक गंधर्व मिलता है जो कि राक्षस के वेश में होता है, उसको परम गति देते हैं और वो बताता है कि आप सुग्रीव से भेंट कीजिए और वो आपकी सहायता करे।
फिर भगवान राम आगे बढ़ते हैं और तपस्वी शबरी से मिलते हुए सुग्रीव की ओर बढ़ जाती है। हनुमान से मुलाकात होती है, सुग्रीव से मुलाकात होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे चरण में जा करके भगवान राम को उनकी प्लानिंग बनी थी, जो योजना थी उसके अकॉर्डिंग जो टीम थी उनकी, अब उस टीम से उनकी मुलाकात हो जाती है। हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया और उन्होंने क्या किया, फिर अपनी टीम देवताओं के अंश और अपने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के उन्होंने समुद्र में पुल बनाया और जा करके रावण पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने अनेकों राक्षसों को, अतिकाय, मेघनाथ, कुंभकर्ण, वानरों, रीछों और भालुओं की सहायता से समस्त लंकापुरी के राक्षसों को, जो कि अधर्म के संस्थापक थे, उनको उनका नाश कर दिया, उनका वध कर दिया। भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं समस्त राक्षसों का वध कर दूंगा। राक्षस का मतलब ये था कि अब हम देखें राक्षस कौन होते हैं, तो इसको भी ब्रह्मा जी ने बताया है कि राक्षस होते कौन हैं। जब सृष्टि की स्थापना हुई, सृष्टि की रचना हुई, तब सृष्टि के रचयिता ने जब जलचर प्राणियों को बनाना शुरू किया कि जो जलगत अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, उन प्राणियों की जब उन्होंने रचना की, तब ये हुआ कि जैसे मनुष्यों के पास तो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, यज्ञ करने के लिए, रक्षा करने के लिए क्षत्रिय हैं, इसी तरह से उन्होंने जलचर प्राणियों में धर्म की प्रचार प्रसार के लिए यक्षों का निर्माण किया और उनकी रक्षा करने के लिए राक्षसों का निर्माण किया। लेकिन भविष्य में ऐसा हुआ कि राक्षसों का जो काम था रक्षा करना, बल्कि राक्षसों से ही रक्षा करना पड़ा, वो अपने काम से बिल्कुल विपरीत काम करने लग गए। तो जिन्होंने विपरीत काम करना शुरू किया उनको भगवान राम ने माना, उनको भगवान राम ने दंड दिया। विभीषण भी राक्षस था, लेकिन विभीषण धर्म के अनुकूल काम कर रहा था, धर्म के साथ चल रहा था, धर्म के विरुद्ध काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने विभीषण का वध नहीं किया। और इस पूरी योजना को जानने के लिए आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आपको एक छोटे से टॉपिक से जानना है, बिल्कुल एक नॉर्मल बात, एक श्लोक से ही जानना चाहते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक श्लोक भी है, काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत् पौलस्य वधमित्येव चकार चरितव्रता। वाल्मीकि जी ने यह कहा है कि काव्यम रामायणम कृत्स्नम, ये जो रामायण नामक काव्य, जो राम के चरित्र नामक काव्य, राम के जीवन नामक काव्य जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, सीता या चरितम महत्, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसको लिखने क्या है, सीता के चरित्र की स्थापना करना, ये मेरा परम उद्देश्य है। और इसका एक उद्देश्य और है, पौलत्स्य वधमित्येव चकार चरितव्रता। अब चरितव्रता क्या है, सीता के पवित्र चरित्र की स्थापना करना। और पौलत्स्य वधमित्येव, पौलत्स्य, मैं आपको बता दूं कि पुलस्य नाम के ऋषि हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और उन्हीं के पुत्र हुए हैं विश्रवा, और विश्रवा का ही पुत्र था रावण, तो पौलत्स्य, रावण को पौलत्स्य भी कहा जाता है। पौलत्स्य वधमित्येव चकार चरितव्रता, यानी कि रामायण को लिखने का जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा जो उद्देश्य है, ये है कि पहला तो ये है कि सीता के पवित्र चरित्र की स्थापना करना, लोगों तक माता जानकी के, माता सीता के पवित्र चरित्र की शुद्धता को पहुंचाना, और दूसरा क्या है, पौलत्स्य का वध करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रहस्यमय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।